दोस्तों, मैं हूं जीशान अड़ू। आज के इस नई वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आप इंडिया के किसी भी राज्य से आते हैं तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस का ऑनलाइन करेक्शन कर सकते हैं, ऑनलाइन सुधार कर सकते हैं। आपके ड्राइविंग लाइसेंस में नाम, आपका फादर्स का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कोई चीज़ भी गलत है तो आप ऑनलाइन चेंज कर सकते हैं अपने DL को। उसी के बारे में इस वीडियो में मैंने पूरी प्रक्रिया से आपको बताने की कोशिश की है। इससे पहले मैंने इस वीडियो में बताया कि किस तरह आप न्यू ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको इस वीडियो में बना दिया, ये वीडियो भी देख लीजिएगा। इस वीडियो में मैंने आपको पूरी विस्तार से बताया है। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए सबसे पहले लर्निंग बनाना होता है, लर्निंग के बारे में इसमें जानकारी दिया हूँ। इसके बाद DL के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम जानते हैं किस तरह आप अपने DL में किसी भी राज्य से आप करेक्शन करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को प्रमोट किया है Easy4Pay सॉल्यूशन, जो कि एक APS कंपनी है जहां पे आप अपने कस्टमर को रुपया निकाल के दे सकते हैं, बैंकिंग सुविधा दे सकते हैं, किसी के अकाउंट से रुपया निकालना, अंगूठा की मदद से रुपया जमा करना, मनी ट्रांसफर करना, बिल पेमेंट करना, टिकट बुकिंग करना, पैन कार्ड बनाना, ATM से पैसा निकल, इस तरह के यहां पे इस पोर्टल पे आपको सर्विस मिलती रहती है। अगर आप अपनी दुकान पे बैंकिंग सर्विस देना चाहते हैं Easy4Pay सॉल्यूशन के द्वारा तो आप दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी कंपनी है जो Easy4Pay सॉल्यूशन है। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से वीडियो में बताया था, इस वीडियो में ये वीडियो देख लीजिएगा। इस वीडियो का भी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के आई बटन पर हम दे देंगे। तो चलिए आप चलते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पे। मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वेबसाइट का लिंक दिया है, parivahan.gov.in। इस पे आने के बाद यहाँ पे आपको मिला ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस, इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद यहाँ पे न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आपको न्यू टैब में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप किस स्टेट से हैं, और किस स्टेट से बनाना चाहते हैं। तो जो भी आपका स्टेट है स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जैसे आप स्टेट सेलेक्ट करेंगे उस स्टेट पे ये वेबसाइट कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो कन्वर्ट होने के बाद वेबसाइट कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलता है। और DL बनाने के लिए या करेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई पे क्लिक करेंगे। अगर आपको न्यू बनाना है तो न्यू लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करना, अगर आपको सुधार करना है तो 5 नंबर मिल रहा है सर्विस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस, सुधार करना है तो सर्विस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है तो इसी की मदद से आप न्यू भी ले सकते हैं। सर्विस ऑन ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यूअल डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है पूरा प्रोसेस आपको 5 स्टेप में फिलअप करना होगा। पहले डिटेल देना होगा, उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट करना होगा, उसके बाद फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा, उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस के लिए टेस्ट के लिए आपको सेलआउट बुकिंग करना होगा, किस डेट को आप टेस्ट देंगे, उसका पेमेंट करना होगा। ठीक है, चालान कटना होगा। इसमें आप क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिन्यूअल कर सकते हैं, एड्रेस को चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ को चेंज कर सकते हैं, नेम को चेंज कर सकते हैं, दोस्तों यहाँ पे बायोमेट्रिक को भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ इन DL, ये चेंज ऑफ डेट ऑफ बर्थ हर एक स्टेट में अभी नहीं अवेलेबल किया गया ऑनलाइन ये सर्विस को। किसी किसी स्टेट में ये सर्विस डेट ऑफ बर्थ को ऑनलाइन किया गया है। अगर आप डेट ऑफ बर्थ भी कराना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप काउंटर पे जाके DTO काउंटर से आप जाके वहाँ पे कर सकते हैं, वहाँ से डेट ऑफ बर्थ भी हो जाएगा। अभी ऑनलाइन में डेट ऑफ बर्थ बहुत सारे स्टेट का नहीं दिया गया, आप आगे देखेंगे कौन सा स्टेट का दिया गया है। तो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे कह रहा है ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इंटर करने के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर यहाँ पे जो भी था वो ड्राइविंग लाइसेंस नंबर मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया हूँ। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ पे क्लिक करेंगे, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, तो जो भी डेट ऑफ बर्थ अभी आपके DL पे है वो देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना, जो भी आपका स्टेट है। उसके बाद यहाँ पे RTO ऑफिस वो सेलेक्ट करना। उसके बाद आपको यहाँ पे गो पे क्लिक कर देना है। गो पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह इंटरफेस दिखेगा, यहाँ पे आपके ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा डिटेल आ जाएगा, आपका नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, पूरा एड्रेस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंफर्म करने के लिए बोला जाएगा, जो भी डिटेल ऊपर में आपके कार्ड के बारे में दिखाया गया है वो आप ही का डिटेल है, तो यहाँ पे ये आप ही का डिटेल है तो यस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली से यहाँ पे आपको स्टेट से ले करना होगा और अपना डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका RTO ऑफिस जहाँ भी डिस्ट्रिक्ट जो भी आपको वो सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, उसका पूरा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर अपडेट के लिए यहाँ पे आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, जो भी आपका मेन मोबाइल नंबर होगा, पर्सनल मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर को आपको यहाँ पे इंटर करना होगा। तो यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर को इंटर करता हूँ, तो मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे फादर्स वगैरह रहा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अपना एड्रेस देंगे, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्लॉक, जो भी आपका ब्लॉक है ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे।
उसके बाद यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस में आपको इस तरह दे देना है @postps, इस तरह एड्रेस देंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है, उसके बाद पूछ रहा है आपका प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है तो इसमें टिक मार्क लगा देंगे। अगर अलग अलग है तो अलग अलग फिलअप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा सेम है तो इसमें टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मोबाइल नंबर इंटर कर देता हूँ मैं। डेट ऑफ बर्थ देने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ भी कह रहा है आपका ड्राइविंग लाइसेंस जाएगा, उस पर एड्रेस कुछ इस तरह करेगा, ये एड्रेस सही है तो यहाँ पे ओके कर देंगे। तो जैसे आप ओके पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है क्या सुधार करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने बिहार स्टेट सेलेक्ट किया था, यहाँ पे बिहार में देखिए चेंज ऑफ नेम इन डीएल आ रहा है, उसके बाद चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल आ रहा है, बट लेकिन डेट ऑफ बर्थ का कोई ऑप्शन नहीं है। तो बिहार में डेट ऑफ बर्थ ऑनलाइन सुधार नहीं हो सकता है, इसके लिए अपने DTO ऑफिस में जाना होगा, वहाँ से अप्लाई करना होगा DTO ऑफिस से, तभी आपका डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन हुआ। जो भी यहाँ पे शो कर रहा है वही आप ऑनलाइन करेक्शन करवा सकते हैं। तो मैं नेम और एड्रेस को सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पे प्रोसीड पे बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दो चीज़ दिखा रहा है कि नेम चेंज के लिए, एड्रेस चेंज के लिए सर्विस। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है रीजन, किस कारण से आप नाम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो कारण है आपको वो सिलेक्ट कर लेंगे, मैं ये 5 नंबर वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है न्यू नाम, आपका नया नाम क्या है जो आप नया नाम से बनाना चाहते हैं, वोटर आईडी का, सॉरी DL, जो भी न्यू नाम से आप बनाना चाहते हैं तो वो न्यू नाम आपका क्या है, वो न्यू नाम आप यहाँ पे देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने न्यू नाम इंटर कर दिया। अगर आप फादर का नाम भी चेंज करना चाहते हैं, फादर हस्बैंड मदर किसी का, तो यहाँ पे उनका भी सही नाम यहाँ पे इंटर कर देंगे। जिसका सही नाम, जो भी सही नाम है वो मैंने इंटर कर दिया, और जो फादर का सही नाम वो इंटर, और फुल नेम यहाँ पे आ गया है। उसके बाद यहाँ पे इफेक्टिव फॉर्म में यहाँ कह रहा नाम आपका कब खराब हो गया, यानी कि न्यू नाम कब आपका नाम कब से प्रभावी हुआ, कब आपका नाम खराब हुआ। तो यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा बता देता हूँ, यहाँ पे आप कुछ नहीं, सिंपली सा अपने DL को देखिए, DL में लिखा होगा एक इशू डेट, ठीक है, DL में लिखा होगा एक इशू डेट, तो आप इशू डेट जो वही इशू डेट को यहाँ पे आप कैलेंडर से सेलेक्ट कर लीजिए, अच्छा रहेगा, ठीक। मतलब आपका कब खराब हुआ, इशू डेट जब आपको मिला था तभी आपको पता चला कि हमारा DL में डेट ऑफ ये सब डिटेल गलत है, तो उसी दिन से आपको दिक्कत होने लगी, ठीक है। तो ये सब देने के बाद उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म पे क्लिक करने के डाटा एक्सेप्ट सक्सेसफुली, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना, सिंपली से उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सर्विस पे क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट सर्विस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये तो DL का जो मैं दिया था वो हो गया। अब यहाँ पे देखिए एड्रेस के डिटेल मांग रहा है, चेंज ऑफ एड्रेस, कौन सा एड्रेस चेंज कर रहे हैं, परमानेंट या प्रेजेंट या दोनों, तो दोनों करना है तो दोनों सेलेक्ट करेंगे बहुत। उसके बाद यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस दे देंगे, स्टेट, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद यहाँ पे अपना जो भी आपका ब्लॉक होगा वो देंगे, अपना पंचायत देंगे, उसके बाद यहाँ पे पूरा अपना पता दे देंगे जो भी आपका होगा। उसके दोनों पता अगर आपका सेम है तो यहाँ पे सेम अस परमानेंट एड्रेस पे टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, कन्फर्म पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका पूरा एड्रेस जो आपका शो कर जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इस ये दोनों बॉक्स में टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी, यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर भी आप दे सकते हैं, इसमें टिक मार्क हटा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे इसमें फर्स्ट वाले टिक लगा, यहाँ पे आप अगर आपकी कभी एक्सीडेंट डेट हो जाती है तो अपनी बॉडी को आप डोनेट करना चाहते हैं तब आपको इसमें टिक मार्क लगा देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कैप्चर जो मिला इस कैप्चर को यहाँ पे इंटर कर देंगे। कैप्चर इंटर करने के बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका पूरा चीज़ आ चुका है, ठीक है, ये रिसिप्ट हो गई। अब इसको प्रिंट करके रख लेना है या सेव कर लीजिए, तो मैं इसे फिलहाल अभी सेव कर लेता हूँ, अभी प्रिंट नहीं करूँगा,
क्योंकि मुझे इसका काम नहीं, इसका काम आपको भी नहीं पड़ेगा, लेकिन आप इसे सेव करके रख लीजिए। उसका सेव कर लेने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए जो सर्विस था डीएल वो हम कर चुके कंप्लीट। उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करना, उसके लिए भी हमें इसको करना होगा कंप्लीट। तो यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे भी ओके करेंगे। ओके करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, तो यहाँ पे आपको देखिए तीन चीज अपलोड करना होगा। प्रूफ ऑफ नेम, नया नाम जो आप रख रहे हैं, नया नाम, तो न्यू नाम का कोई एक डॉक्यूमेंट देना होता है। जैसे कि कोई अगर सर्टिफिकेट वगैरह है तो सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या हैप्पी डिफीट दे सकते हैं। ठीक है, हैप्पी डिफीट है तो हैप्पी डिफीट बना के दे दीजिए कोर्ट से, या अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो वो दे सकते हैं। प्रूफ ऑफ नेम में उसको एड्रेस प्रूफ में जो भी एड्रेस डाले हैं वो एड्रेस का कोई प्रूफ दे सकते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, जिसमें जैसे बिजली बिल, आधार कार्ड। उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस आप यहाँ पे अपलोड करेंगे। तो तीन डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना अनिवार्य है। ठीक है, तो ये तीनों डॉक्यूमेंट को मैं अपलोड करता हूँ। सबसे पहले प्रूफ ऑफ नेम को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ नेम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ये सबको डेट ऑफ बर्थ वगैरह डॉक्यूमेंट नंबर वगैरह को खाली छोड़ेंगे। उसका डॉक्यूमेंट की साइज 200 KB से कम होनी चाहिए। उसका चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, अपना जो डॉक्यूमेंट उसको अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे मैं डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे। अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पे आप व्यू करके देख सकते हैं अपने अपलोड किए डॉक्यूमेंट को। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट सही है तो कन्फर्म बटन पे क्लिक करेंगे, कन्फर्म करेंगे। जैसे आप कन्फर्म करेंगे तो यहाँ पे देखिए अपलोड हो चुका है, यहाँ पे स्टेटस में सेव दिख रही है, अपलोड हो चुका। अब यहाँ पे दूसरा डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करना है, एड्रेस प्रूफ। अब एड्रेस प्रूफ में हम यहाँ पे पासवर्ड दे सकते हैं, हैप्पी डिपिट दे सकते हैं, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, LIC पॉलिसी स्टेटमेंट दे सकते हैं, आधार कार्ड विद DOB दे सकते हैं। ठीक है, आधार कार्ड वही आधार कार्ड देंगे जिसमें डेट ऑफ बर्थ लिखा हो, जिसमें ईयर लिखा हुआ वाला नहीं, आधार कार्ड विद डेट ऑफ बर्थ, जिसमें डेट ऑफ बर्थ पूरा लिखा हो, बैंक पासबुक, बिजली बिल, राशन कार्ड, लैंडलाइन बिल पेमेंट, ये इस तरह का आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो भी आपके पास अवेलेबल वो सिलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड करेंगे। इसी तरह यहाँ पे मैं आधार कार्ड को भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और आधार कार्ड को मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। तो ये भी आधार कार्ड को भी हम कन्फर्म कर लेते हैं। इसी तरह तीनों डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे, कन्फर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आधार कार्ड भी मेरा अपलोड हो चुका। अब यहाँ पे मैं ड्राइविंग लाइसेंस को भी अपलोड करूंगा, इसको भी सेलेक्ट करेंगे और चूज फाइल पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने DL भी अपलोड कर चुका हूँ और यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे और पूरी चीज़ में एक एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और यहाँ पे कन्फर्म करेंगे। तीनों डॉक्यूमेंट मैं आपके सामने अभी अपलोड कर चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए अब कह रहा है आपका सर्विस के DL के लिए पूरा डिटेल अपलोड हो चुका है, डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका। अब कह रहा है फोटो सिग्नेचर अपलोड करना होगा आपको, उसके लिए यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करना है। फोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज पे क्लिक करेंगे और जहाँ भी मेरा फोटो रखा हुआ उस फोटो को यहाँ पे मैं ओपन करूँगा। और फोटो देखिए फोटो की साइज जो यहाँ पे 20 KB से कम मांगा जा रहा है, उसके लिए आपको एक अच्छा सा सॉफ्टवेयर यूज करना होगा। उस सॉफ्टवेयर का नाम है ROIT। ROIT सॉफ्टवेयर का नाम है ROIT। इस सॉफ्टवेयर का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। किसी भी फोटो को रिसाइज करने में बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। तो हम ओपन पे क्लिक करेंगे, उस डॉक्यूमेंट को फोटो को सेलेक्ट करेंगे जिसको रिसाइज करना होगा। और यहाँ पे देखिए मैं ये फोटो को सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखिए इसे हम नो कर देते हैं। तो ये देखिए जैसे आप फोटो सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपकी फोटो की जो KB है, ये जो है वो ये ओरिजिनल है, इसकी KB ऊपर में और ऊपर ये जो इसकी KB है। ठीक है, ये दो फोटो कन्वर्ट कर दिया है, जो भी KB चाहिए। ठीक है, मुझे यहाँ भी
कंप्रेस टू साइज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद पूछ रहा है ये फोटो को आप कितनी साइज की बनाना चाहते हैं, मैं उतना 18 कर दिया, उसको ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे ये जो फोटो ये जो है केबी, यहाँ पे देख लीजिए ये केबी की हमारी ये फोटो कन्वर्ट हो चुका है। अगर हम इसको ज़्यादा भी करना चाहते ज़्यादा भी हम यहाँ पे इसको कर सकते हैं, ठीक है, इस टाइप का। और उसके बाद यहाँ पे हमें करना है सेव, तो यहाँ पे हम फोटो को सेव कर लिए। अब देखिए इसे हम अपलोड करेंगे, यहाँ पे चॉइस फाइल पे क्लिक करेंगे और ये फोटो को अपलोड कर दें, ये अपलोड हो चुका है। उसके बाद इसी तरह सिग्नेचर पे भी क्लिक करेंगे और यहाँ पे सिग्नेचर को भी अपलोड करेंगे, सिग्नेचर भी यहाँ पे 20 KB कम ही मांग रहा है। तो अब मैं सिग्नेचर को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं सिग्नेचर को भी सेव कर लेता हूँ। उसके बाद अब मैं फिर आता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे सिग्नेचर के बगल में जो ब्राउज है इस पर क्लिक करेंगे, सिग्नेचर को सेलेक्ट करेंगे। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ अपलोड एंड व्यू फाइल का जो ऑप्शन था ये शो होने लगा, इस पर क्लिक कर देंगे। अब ये हमारा फोटो सिग्नेचर भी अपलोड हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे करना है सेव फोटो एंड सिग्नेचर इमेज फाइल, इस पर क्लिक करेंगे, ये इस तरह आ चुका। अब यहाँ पे करना होगा आपको नेक्स्ट, नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये देखिए कह रहा है आपका एप्लीकेशन भी हो चुका है अपलोड कंप्लीट, अपलोड डॉक्यूमेंट भी हो चुका है, फोटो सिग्नेचर भी अपलोड हो गया। अब कह रहा है यहाँ पे फी पेमेंट करने के लिए, अब इसका पेमेंट हम फी करेंगे। पेमेंट करने के लिए यहाँ पे प्रोसीड बटन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखने को मिलेगा। और यहाँ पे चार्ज जो लग रहा है वो चार्ज आपको यहाँ पे दिखे, ठीक है, ये जो आपको चार्ज सभी का अलग अलग चार्ज है यहाँ पे दिया गया, कौन किस में आपको कितना रुपए चार्ज लग रहा है। यहाँ पे आपको जो पोस्ट यानी कि नया जो बनेगा DL वो आपको डाक से भेजा जाएगा, उसका 50% ऐड किया गया है। और फॉर्म 7 का ये जो चेंज करे उसके हिसाब से, जो भी चीज़ चेंज करेंगे हर चीज़ पे आपको नेम में 200 रुपया, एड्रेस में 200 रुपये, जो भी चेंज करेंगे, जैसे चेंज DL एड्रेस में 200 रुपया यहाँ पर दिखा रहा है और नेम में भी 200 रुपये, 400 रुपये हो गए। उसके बाद यहाँ पे फॉर्म सेवन में 200 रुपये, 600 रुपये ऐसे हो गए। उसके बाद पोस्टल चार्ज यानी कि डाक चार्ज यानी कि 650 रुपये, 50%, उसका टोटल यहाँ पर 650 रुपये। ये हमारा दो चीज़ सुधार कर रहे हैं, नेम एड्रेस सुधार कर रहे हैं, तो यहाँ पे 650 रुपये हैं, 200 रुपये नेम का, 200 रुपये एड्रेस का, 200 रुपये फॉर्म का, 50 रुपये डाक का जो कि कार्ड आएगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक गेटवे को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसिप्ट अकाउंट सिस्टम को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चर मिला इस कैप्चर को इस बॉक्स में इंटर कर देंगे, सभी को कैप्चर अलग अलग रहता है, जो भी कैप्चर आपको शो कर रहा है उस कैप्चर को यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे दो ऑप्शन, एक पे नो यानी कि अभी तुरंत पेमेंट कर सकता है, बाद में पे लेटर में बाद में भी आप कभी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पे नो पे क्लिक करूँगा। उसके बाद कुछ इस तरह का यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा, इस पर टिक मार्क लगाएंगे। उसके बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पे क्लिक करेंगे। वीडियो पूरा मैं बता रहा हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू से अंत तक, इसलिए वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और आप एक बार जरूर EG4Pay सॉल्यूशन की वेबसाइट पे आए, यहाँ पे आपको इस वेबसाइट पे आना होगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आप चाहते हैं इससे काम करना तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, EG4Pay, ठीक है। तो इससे आप जुड़ जाइए, ऐड हो जाइए, अपने दुकान पे बैंकिंग सर्विस दीजिए, बहुत अच्छी कंपनी है। इस वेबसाइट का भी लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद इस तरह आगे, उसके बाद यहाँ पे ईयर में आपको आपका ये अभी कौन सा ईयर 19-20 है ना, तो 19-20 को सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वन टाइम पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। उसके बाद पेमेंट मोड में ई पेमेंट करेंगे, पेमेंट डिटेल में ई पेमेंट। उसके बाद कौन सा बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं आपका, ठीक है, जो भी बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं वो यहाँ पे सिलेक्ट, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे बैंक आ जाएंगे, अभी नहीं आ रहे, वेट कर लेते हैं 2 मिनट। यहाँ पे कभी कभी बैंक का लिस्ट तुरंत आ जाते, अभी नहीं आ रहे हैं किसी सर्वर नेटवर्क प्रॉब्लम से, आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पे बैंक का नाम आ चुका है, देखिए यहाँ पे कुछ ही बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, सेंट्रल बैंक है, IDBI है और पंजाब नेशनल है, जो इधर बैंक है हमारे एरिया में, स्टेट बैंक है यूनियन में, ये सब बैंक हमारे एरिया में है। तो हमारे किस अकाउंट में, किस बैंक में अकाउंट वो सेलेक्ट करें जिससे हम पेमेंट करेंगे।
तो मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। सबमिट बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, यहाँ पे डेबिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप नेट बैंकिंग से करेंगे तो आपको भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटेगा, अगर आप डेबिट कार्ड से करेंगे तो कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं कटेगा, अगर आप किसी दूसरे बैंक से करेंगे तो यहाँ पे आपको 6 रुपये चार्ज कटेगा। तो यहाँ मैं स्टेट बैंक से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड देंगे अपने नेट बैंकिंग का, उसके बाद कन्फर्म करके आप पेमेंट कर देंगे। तो दोस्तों मैं अभी पेमेंट नहीं करूँगा क्योंकि मैं आप सुधार नहीं कर रहा था, मेरा पूरा डिटेल सही है, सिर्फ मैं आपको बताने के लिए ये प्रक्रिया फॉलो किया। पेमेंट कर देना, पेमेंट करने के बाद आपको एक काम और करना है, वो भी हम आपको बता देते हैं, ठीक है। पेमेंट करने के बाद फिर से यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फिर से स्टेट सेलेक्ट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आपका जो टैब होगा उस टैब को आप क्लोज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला होगा आपको मैसेज में मिला होगा, और जो आपने अभी सेव किया था मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये डीएल सर्विस जो आपने सेव किया था अभी, इसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें भी आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ देंगे, जो भी डीएल पे था। डेट ऑफ बर्थ तो ऑनलाइन मैं सुधार नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देख लीजिए ये रिसिप्ट जो मैं सेव किया था, यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, ये इस एप्लीकेशन नंबर को आप यहाँ पे इंटर करेंगे और डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे, सबमिट जैसे करेंगे आपके सामने यहाँ पे एक डाउनलोड फॉर्म हो जाएगा। तो अब आपको जाना होगा फिर से इस वेबसाइट पे, ये आपका सारा चीज़ कम्प्लीट हो चुका। अब टेस्ट देने के लिए आप टेस्ट दे सकते हैं, यहाँ पे नियम के अनुसार तो बुकिंग सलोड करना होगा, उसके लिए अपॉइंटमेंट, ये सारा चीज़ कम्प्लीट करने के बाद बुकिंग करना है अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए सर्विस ऑन लाइसेंस LL DL पे क्लिक करेंगे, लाइसेंस के लिए आप टेस्ट देना चाहते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद वेरीफिकेशन कोड ये देंगे, उसके बाद सबमिट करेंगे। जो भी आपने मोबाइल नंबर दिया था उस मोबाइल पर OTP जाएगा, OTP जाने के बाद आपको कैलेंडर मिल जाएगा, उस कैलेंडर में जिस तारीख को आपको टेस्ट देना, वो एग्ज़ाम देना है मतलब टैक्स, तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको उसी डेट को डॉक्यूमेंट लेके जाना है। डॉक्यूमेंट में क्या क्या लेके जाना है वो भी हम आपको बता देते हैं। डॉक्यूमेंट में जो भी फॉर्म आपने अभी डाउनलोड किया था, यहाँ से मैं आपको बता दूँ, जो भी फॉर्म अभी आपने डाउनलोड किया था डाउनलोड फॉर्म में, तो उस फॉर्म को, और जब पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के बाद भी आपको एक रिसिप्ट मिलता है, वो रिसिप्ट लेके फॉर्म प्रिंट कर लीजिएगा। जो भी आप डाउनलोड में जाके फॉर्म प्रिंट किए थे, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ इंटर करके, वो फॉर्म को प्रिंट कर लेना है, और पेमेंट करने के बाद भी आपको एक रिसिप्ट मिलता है, वो रिसिप्ट को प्रिंट कर लेना है। उसके बाद अपॉइंटमेंट जो बुक करेंगे उसके बाद भी एक रिसिप्ट मिलेगा आपको, वो भी आपको प्रिंट कर लेना है। ये सारा चीज़ प्रिंट करने के बाद जो भी आपका डॉक्यूमेंट, 3 डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किया है, तो उस सारी की डॉक्यूमेंट, जैसे नेम का डॉक्यूमेंट, एड्रेस का डॉक्यूमेंट और DL, ये तीनों की फोटोकॉपी करके जिस डेट को आपने अपॉइंटमेंट बुकिंग किया है, उस डेट को अपने DTO ऑफिस में जाके उसको जमा कर देना है। जमा कर देंगे तो आपके कुछ ही दिन में, 15-20 रोज में आपके घर पर न्यू कार्ड करेक्शन होकर आपके घर पर चले आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे ये छोटा सा वीडियो में आपने पूरी चीज़ विस्तार से DL करेक्शन के बारे में जाना होगा, जाना है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर किसी भी बारे का, किसी भी बारे में आपको कमेंट जानकारी चाहिए तो कमेंट करेंगे। दोस्तों मैं आपको सुविधा दूंगा, अगर आप चाहते हैं आपसे नहीं होगा तो करेक्शन करना, तो आप अपना नाम करेक्शन करना या न्यू बनाना, तो आप अपना नाम, अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस